पाकिस्तान में ईद उल अजहा से जुड़ी एक नई रिपोर्ट सामने आई है। बुधवार को पाकिस्तान टेनर्स एसोसिएशन ने एक बयान में खुलासा किया कि पूरे पाकिस्तान में 12 लाख से ज़्यादा पशुओं की बलि दी गई। इनकी कीमत 500 अरब पाकिस्तानी रुपए है। एसोसिएशन की केंद्रीय कार्यकारी समिति के सदस्य आगा सैयदैन के मुताबिक बलि देने वाले जानवरों में 2,90,000 गायें, 3,30,000 बकरियाँ, 3,85,000 भेड़ और 98,000 ऊँट शामिल हैं। इसके अलावा 1,65,000 भैंसों की भी बलि दी गई। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक बलि दिए गए जानवरों के कुल वित्तीय मूल्य 500 अरब रुपए से ज़्यादा था। अनुमान के मुताबिक अकेले खाल की कीमत 85 अरब रुपए है। एसोसिएशन ने भीषण गर्मी और जलवायु परिवर्तन के कारण 40% खाल के संभावित नुकसान के बारे में भी चिंता जताई है। आमतौर पर पाकिस्तान का चमड़ा उद्योग ईद उल अजहा के दौरान खाल की वार्षिक मांग का 20% पूरा कर लेता है। हालांकि इस साल माना जा रहा है कि मौजूदा आपूर्ति 20% से ज़्यादा कम हो सकती है। इस बीच पाकिस्तान में अहमदिया समुदाय के कम 36 सदस्यों को ईद उल अजहा पर जानवरों की कुर्बानी देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। समुदाय के एक नेता ने मंगलवार को इस बारे में जानकारी दी। अहमदिया समुदाय को देश में गैर मुस्लिम घोषित किया गया है, जिसके मद्देनज़र उनके खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। देश में अल्पसंख्यक समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाले जमात अहमदिया पाकिस्तान के पदाधिकारी आमिर महमूद ने बताया कि समुदाय के कम 36 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें से ज़्यादातर पंजाब प्रांत से हैं। ईद उल अजहा के मौके पर पाकिस्तानी सरकार ने नागरिकों से पक्षी विमान टकराव के जोखिम से बचने के लिए कुर्बानी के लिए इस्तेमाल किए गए पशुओं के अपशिष्ट को सुरक्षित निपटान सुनिश्चित करने की भी अपील की। रेडियो पाकिस्तान की खबर के अनुसार सरकार ने लोगों से अनुरोध किया कि वे हवाई अड्डों के आसपास के क्षेत्रों में अपशिष्ट पदार्थ न फेंकें, क्योंकि इससे वहां कूड़ा कचरा इकट्ठा हो जाता है और पक्षी विमानों से टकराकर गंभीर त्रासदी का कारण बन सकते हैं। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने त्याग, भाईचारे और निस्वार्थता की भावना को बढ़ावा देने का आह्वान किया। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।